श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली में एम्बुलेंस की जरूरत कब पड़ती है। देखिए, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और इन मेडिकल इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस सेवा होती है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कौन सी मेडिकल इमरजेंसी है जिनके लिए एम्बुलेंस को बुलाना जरूरी होता है। आज हम आपको वही बताने वाले हैं कि आपको कब एम्बुलेंस बुला लेना चाहिए, किन परिस्थितियों में बुला लेना चाहिए और उन परिस्थितियों को कैसे निपटना चाहिए। आमतौर पर किसी गंभीर दुर्घटना में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के घायल हो जाने पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, लेकिन आमतौर पर घर, दफ्तर या कहीं बाहर होने पर एम्बुलेंस को किस स्थिति में बुलाया जाए, ये लोगों द्वारा पूछे जाने वाला एक आम सवाल होता है। एक नए शोध के अनुसार दरअसल यदि एक बच्चे की गर्दन में अकड़न और सामान्य से उच्च बुखार हो या कि बुजुर्ग व्यक्ति बिना शराब के प्रभाव में बोल पाने में असमर्थ हो तो ये समय एम्बुलेंस को कॉल करने का होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। दिमागी बुखार और स्ट्रोक के संकेत एम्बुलेंस बुलाने के लिए काफी होते हैं, लेकिन एक सर्वे के अनुसार अधिकांश लोग ऐसी स्थितियों में एम्बुलेंस को नहीं बुलाते हैं और स्थिति गंभीर होने पर खुद ही मरीज को किसी साधन से अस्पताल लेकर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से कई बार देरी हो जाने की असुविधा के चलते मरीज की रास्ते में मौत हो जाती है या फिर वहां जाते जाते परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो एक्चुअली में देखा जाए तो जानकारी का अभाव है। इसके अलावा खास तौर पर हमारे देश प्रसव के लिए महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को नहीं बुलाते हैं ज्यादातर, और ट्रैफिक और खराब रास्तों की वजह से इसके गंभीर परिणाम झेलने पड़ते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों में एम्बुलेंस की उपयोगिता और इसे कब और कैसे बुलाना है यदि को लेकर जागरूकता ही नहीं है। क्या आपको कभी किसी ने बताया कि एम्बुलेंस कब बुलाना चाहिए? शायद किसी ने नहीं बताया होगा और ना तो किताबों में पढ़ाया गया होगा। इसलिए सरकार और निजी संस्थानों को चाहिए कि लोगों में एम्बुलेंस की उपयोगिता को लेकर जागरूकता लाई जाए, साथ ही डॉक्टर और अस्पतालों को भी एम्बुलेंस के इस्तेमाल के लिए लोगों की जानकारी प्रदान करनी चाहिए। साथ ही सरकारों और अस्पताल प्रशासन यदि को एम्बुलेंस को आसानी से उपलब्धता करवानी चाहिए, इनकी किराए में कटौती करने की जरूरत है, क्योंकि आदमी सोचता है यार एम्बुलेंस के इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे, यार रिक्शा में बिठा के लेकर चले जाते हैं, कोई अन्य साधन ढूंढते हैं तो उनको लगता है यार एम्बुलेंस वाला बड़ा पैसा चार्ज करेगा, तो जो किराया है उसमें कटौती कर लेनी चाहिए। एम्बुलेंस केवल मोटर गाड़ियों में ही नहीं बल्कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से लेकर नाव, घोड़ा गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और साइकिलों पर भी होती है। आजकल तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं जिससे मरीज को तत्काल चिकित्सीय सहायता मिल पाती है और सुरक्षित तरीके से समय रहते अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।